क्या जैशा पाकिस्तान जाएंगे? विराट के मन में सवाल आएगा कि भाई जैशा पाकिस्तान क्यों जाएंगे? तो इसलिए जाएंगे क्योंकि जैशा क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। क्रिकेट में पाकिस्तान में एशिया कप का पहला मैच होना है। एशिया कप यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी उसके प्रेसिडेंट कौन? मिस्टर जैशा। अब अगर जैशा प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान होस्टिंग नेशन है तो प्रेसिडेंट वहां पर रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप सोचेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। दोस्तों इसके भी लॉजिक ये कि जैशा जी जो हैं वो हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के। गृह मंत्री अमित शाह जी कौन है? गृह मंत्री अमित शाह जी वो शख्स हैं जो भारत में नरेंद्र मोदी सरकार में नंबर टू हैं और बहुत ही पावरफुल इंसान है। जैशा जी उनके सुपुत्र हैं। अगर जैशा पाकिस्तान जाते हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले सालों में जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में शायद वहां इंडिया जाए। अगर वो स्टैंड लेते नहीं आते तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब फिर तो चांस होंगे कि वही नहीं होने वाला। लेकिन ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियली पाकिस्तान के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया गया। बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि जी हाँ हम पाकिस्तान जाएंगे और इंडिया से दो लोग ऐसे हैं जिनके जाने में पक्का हो गया, जिसमें एक तो है रोजर बिन्नी साहब जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं और दूसरे हैं राजीव शुक्ला जी जो कि उपाध्यक्ष। और इसीलिए मेरे मन में सवाल आ रहा है कि भैया अगर रोजर बिन्नी साहब जा सकते हैं जो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट करेंगे, बीसीसीआई मतलब इंडिया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जा रहे हैं, तो फिर क्या एशिया क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष नहीं जाएगा? वेल टेक्निकली तो जाना चाहिए अगर बीसीसीआई की तरफ से लोग जा रहे हैं तो। अगर बीसीसीआई कंप्लीटली बॉयकॉट करती तो फिर कहानी अलग होती कि भाई हम नहीं जा रहे, बट दो जा रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं जा रहे हैं, ऐसे सवाल निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जो कहानी निकल कर आई है वो ये कि शुरुआत में रोजर बिन्नी साहब और जो हमारे राजीव शुक्ला जी हैं वो श्रीलंका में जाएंगे और श्रीलंका में वहां रहकर इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो देखेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के बाद वहां से वापस जब इंडिया आना होगा तो उस वक्त वो इंडिया नहीं आएंगे बल्कि वहां से लाहौर जाएंगे और वाघा बॉर्डर के थ्रू लाहौर में जाकर एशिया कप के कुछ मैचेस देखेंगे। एशिया कप के मैचेस मतलब कौन से मैचेस? वो मैचेस जो पाकिस्तान खेलने वाला, क्योंकि एशिया कप के मैचेस श्रीलंका में इंडिया के होंगे। पाकिस्तान के शुरुआती चार मैचेस जो हैं वो होंगे लाहौर के अंदर, और जो मैच 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में होने वाला है उस मैच को जैशा तो नहीं लेकिन रोजर बिन्नी राजीव शुक्ला देखेंगे। अब अगर यहां जैशा भी पहुंच जाते हैं तो फिर इससे इंडिया पाक क्रिकेट को लेकर काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे बीसीसीआई कोई प्रेसिडेंट जाए तो काफी हद तक क्लैरिटी हो जाती है, लेकिन इनकी कहानी अलग है। ये थोड़े इंडिया में आप जानते हैं कि जैशा के जाने का असर मैसेज अलग, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट जा रहे हैं एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड और एक्चुअल में बीसीसीआई का स्टैंड जो है वो तब क्लियर होगा जब जैशा वहां जा सकते हैं, अगर जाते हैं तो। वैसे जैशा से मुलाकात पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव की होती रहती है लेकिन वो बाहर होती है, वो वहां नहीं होती है। एक बार एशिया कप के मैचेस की बात कर लें, 30 तारीख को पाकिस्तान नेपाल का मैच है मुल्तान में, 31 तारीख को बांग्लादेश श्रीलंका कैंडी में मैच होगा, 2 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया वो भी कैंडी में होगा, 3 तारीख को बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच है वो लाहौर पाकिस्तान में होगा, 4 तारीख को भारत और नेपाल का मैच है कैंडी में होगा, 5 तारीख को अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच है लाहौर में होगा, और इसके बाद धीरे धीरे लोग आ जाएंगे। फिलहाल मॉडल जो है वो हाइब्रिड मॉडल है, 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। शुरुआती मैचेस को लेकर कहा जा रहा है कि 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और उसके बाद 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। दोनों टीमें जो हैं वो अपनी अपनी साइड से कॉन्फिडेंट हैं, पाकिस्तान भी खुश है श्रीलंका भी खुश है, दोनों को मिल गया। लेकिन सवाल फिर वही बरकरार है कि एक एशिया कप कौन जीतेगा? हाईएस्ट टाइम तो हम जीते हैं तो हम चाहेंगे हम जीते हैं। सेकेंड पर श्रीलंका रहा है, वो भी चाहेगा वो जीते, श्रीलंका में मैच हो रहा है, होम कंडीशंस का फायदा मिलेगा, काफी एडवांटेज उठा सकते हैं। लेकिन इन दोनों से बड़ी पिक्चर ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान में फाइनल होगा? एक क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं हुआ, हमने इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखा नहीं बहुत दिन से, WTC में भी नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, IPL में भी नहीं होता है। दूसरा, क्या जैशा को वहां जाना चाहिए? आपका टेक क्या है? और जैशा जाएंगे तो क्या बदल जाएगा जो रोजर बिन्नी या राजीव शुक्ला जाने से नहीं बदलेगा? और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट जा रहे हैं एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड और एक्चुअल में बीसीसीआई का स्टैंड जो है वो तब क्लियर होगा जब जैशा वहां जा सकते हैं, अगर जाते हैं तो। वैसे जैशा से मुलाकात पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव की होती रहती है लेकिन वो बाहर होती है, वो वहां नहीं होती है। एक बार एशिया कप के मैचेस की बात कर लें, 30 तारीख को पाकिस्तान नेपाल का मैच है मुल्तान में, 31 तारीख को बांग्लादेश श्रीलंका कैंडी में मैच होगा, 2 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया वो भी कैंडी में होगा, 3 तारीख को बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच है
वो लाहौर पाकिस्तान में होगा। 4 तारीख को भारत और नेपाल का मैच है कैंडी में होगा। 5 तारीख को अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच है लाहौर में होगा। और इसके बाद धीरे धीरे लोग आ जाएंगे। फिलहाल मॉडल जो है वो हाइब्रिड मॉडल है, 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। शुरुआती मैचेस को लेकर कहा जा रहा है कि 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और उसके बाद 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। दोनों टीमें जो हैं वो अपने अपनी साइड से कॉन्फिडेंट हैं, पाकिस्तान भी खुश है, श्रीलंका भी खुश है, दोनों को मिल गया। लेकिन सवाल फिर वही बरकरार है कि एक एशिया कप कौन जीतेगा। हाइएस्ट टाइप तो हम जीते हैं, तो हम चाहेंगे हम ही हम जीते हैं। सेकेंड पर श्रीलंका रहा है, वो भी चाहेगा वो जीते। श्रीलंका में मैच हो रहा है, होम कंडीशन का फायदा मिलेगा, काफी एडवांटेज उठा सकते हैं। लेकिन इन दोनों से बड़ी पिक्चर ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान में फाइनल होगा। एक क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं हुआ, हमने इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखा नहीं बहुत दिन से, WTC में भी नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, IPL में भी नहीं होता है। दूसरा, क्या जैशा को वहां जाना चाहिए, आपका टेक क्या है? और जैशा जाएंगे तो क्या बदल जाएगा जो रोजर बिन्नी या राजीव शुक्ला जाने से नहीं बदलेगा? व्हाट्स योर टेक?